गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बैठिए। हम तो अपने एग्रीकल्चर साइंस करने के बाद अभी आप क्या कर रहे हैं कंप्लीट होने के बाद? अभी सर एग्जाम के जिसके हो और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहा था, और इसके बाद बिहार एग्रीकल्चर सर्विस में वैकेंसी आई तो फिर इसके साथ इस करने लगे। अच्छा, मतलब अगर इसमें आपका हो जाता है सिलेक्शन, स्पेसिफिक कोई नई वैकेंसी आती है इससे बेहतर हो तो आप किस फॉर्म भरेंगे और इसको छोड़ करके चले जाएंगे? अगर हमारे सर्विस में अगर इससे बेहतर मिलता है और हमको काम करने की इससे डाइवर्सिटी मिलती है, अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करें और इससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हमको और ज़्यादा अच्छे से काम करने के मिले, अच्छे लेवल पे काम करने के मिले, तो अपॉर्चुनिटी के रूप में भी और सर्विस के रूप में भी हम कर सकते। ऐसा नहीं लगता है कि एक सीट जो है बीएओ का लॉस हो जाएगा एक बिना? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि लॉस हो जाएगा। अगर हमें एक अच्छे सर्विस मिलती है तो हम एक अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे काम करेंगे। तो हम जहाँ पर हम छोटे लेवल पे काम कर रहे थे वहाँ पे एक बड़े अच्छे जगह बड़े लेवल पे हम सर्विस दे पाएंगे और अच्छे ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे, ज़्यादा एरिया के लोगों को हम अपने जो समझ है और जिन्होंने हम जो अभी तक पढ़े हैं उस चीज़ को बता अच्छा, पाएंगे। बताइए कि आपने जो कि एग्रीकल्चर साइंस से पढ़ाई किया है तो क्या एग्रीकल्चर हमारे इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है? हाँ हाँ सर, जुड़ा हुआ है कैसे जुड़ा हुआ है तो समझाइए। क्योंकि एग्रीकल्चर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो वातावरण से एक पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जैविक अजैविक बहुत सारे जीव, फसल चक्र, पारिस्थितिकी तंत्र से मौसम सभी से जुड़ा जुड़ा हुआ है। अगर जैसे हो गया वाटर साइकिल, न्यूट्रेंट साइकिल, इसके अलावा ये सब ठीक है, जुड़ा। तो क्या होता है कि जैसे मान लिया कि आपको पूछा जाए कि चाय की खेती के लिए कौन कौन से भौगोलिक परिस्थितियां अनिवार्य हैं, सर जियोग्राफिकल कंडीशन, पॉइंट में बताना है केवल। इसके लिए सर मुख्य रूप से हमको एक लो पीएच कूल क्लाइमेट होना चाहिए और ड्रेनेज वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए, तो जो बारिश हो तो पानी जल्दी से निकल जाए, बारिश अच्छी होनी चाहिए इस तरीके के अच्छा, मतलब बारिश जैसे। अच्छी भी होनी चाहिए और पानी निकल भी जाना चाहिए, हाँ क्या कारण है? सर, एक क्योंकि चाय की खेती में क्योंकि हम उसके लीफ लेते हैं, वो हमारा इकोनॉमिकल प्रोडक्ट उसका लीफ है, तो अगर अच्छी बारिश अच्छी रही, पानी रहेगी तो लीफ का प्रोडक्शन ज्यादा होगा हमें। और ये हमारे जैसे बिहार में किशनगंज में होती है चाय की खेती, और वहाँ पे बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज में होती है और वहाँ की मिट्टी सुटेबल भी है, तो बिहार सरकार भी चाह रही है कि उसका प्रोडक्शन एरिया और बढ़ाया जाए। अच्छा, तो बिहार से अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कही जाए, मान लीजिए कि आप बिहार में कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य को देखने के लिए बनाया गया, तो किस प्रकार से आप योजना बनाएंगे कि बिहार से कृषि के उत्पादों को बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, मतलब बिहार राज्य के बाहर या देश के बाहर? जैसे हमारे बिहार में संभावना एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा संभावना है, जैसे लीची हो गया मुजफ्फरपुर का, जो जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है, मरचा धान से बना हुआ प्रोडक्ट है, मखाना है, मिथिला मखाना। योजना बनाना है ना, तो आप हाँ तो प्लानिंग सर तरीके से। उसके लिए जैसे ये प्रोडक्ट है तो इसके लिए हम योजना बना सकते हैं, जो कि एक सरकार एक जैसे बोर्ड करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही पिछली साल 2023 में ही 30 अप्रैल को जैसे बिहार टी करके बोर्ड गठन किया गया, तो उसके जरिए चाय के उत्पादन को। ठीक है। अच्छा, ये चाय उत्पादन की आपने बात किया तो उसमें मूलतः स्पेशलाइज्ड मिट्टी की बात की जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती सर ये लेटराइट और लेटरेट सॉइल को दिए। है? ठीक
अच्छा आपने देखा पढ़ा होगा डार्विन के सिद्धांत, एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। तो डार्विन के सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की है, तो हमारे कृषि और पशुपालन के क्या इस प्रभाव को देखा जा सकता है इस संदर्भ में, सर सर जो इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आती है आपको, तो क्या हम देख सकते हैं कि डार्विन का जो सिद्धांत जो है हमारे भारतीय कृषि और पशुपालन पे भी उसके प्रभाव प्रसंग। सर अभी सर रिलेट नहीं कर पा रहे। ओके अच्छा, ये एक शब्द आता है मुख्य बिहार के संदर्भ में, एक होता है हदबंदी और एक होता है चकबंदी। तो हदबंदी और चकबंदी क्या है? सर चकबंदी, वही चकबंदी बिहार सरकार या भारत का बहुत पहले से लाना की कोशिश करी। इसमें क्या है कि सर छोटे छोटे जो मार्जिनल फार्मर हैं बिहार में बहुत ज्यादा है, तो वो चाह रहे, बिहार सरकार चाह रही है कि इसको लाके हम जो किसान हैं उसको हम एक अलग अलग छोटे छोटे जमीन है किसी के, मतलब थोड़ा इधर है थोड़ा वहां पर है थोड़ा वहां पर, तो उसको एक जगह करने के लिए एकत्रित जमीन उसका हो जाए, तो इसके लिए चकबंदी योजना की कोशिश कर रही बिहार थी में क्यों सफल नहीं हुआ चकबंदी? सर। इसके में सर जो हाँ बड़े बड़े जमींदार लोग थे वो लोग ये चीज को नहीं चाह रहे हैं, मेरी समझ से इतना रहे कि इसमें वो जमींदार नहीं काम है, जमींदार को आप तो बड़े बड़े हाँ दुकानदार वो होते हैं। लोग खेती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि वो जमीन देना चाहते हैं एक जगह करने के लिए, क्योंकि कहीं का जमीन का ज्यादा वैल्यू है लगता है लोगों को, कहीं का इसमें तो ज्यादा जमींदारों की जमीन की तो बात नहीं हो रही है आपको, छोटे किसान नहीं। की हाँ आपने छोटे बात किया किसान पहले। की अच्छा लोग सर किसी का जमीन का उसको लगता है कि हम मेरा जमीन मान लीजिए कि किसी ब्लॉक में आप ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और कृषि को प्रमोट करना हो और चकबंदी को लागू करना हो, तो कौन सा आप प्रयास करना पसंद कीजिएगा? सर मैं सबसे पहले सर एक बिहार में चले स्वयं सहायता समूह, उसके जरिए से लोग पहले से जुड़े हुए हैं और आपस में मेलजोल भी ज्यादा है, तो उनके जरिए प्रयास करना सर ज्यादा हमको लगता है कि ज्यादा सफल होने की संभावना है। अब पैक्स का नाम सुने हैं? पैक्स हाँ सर यस इसका क्या काम? सर, पैक्स का काम है कि सर जैसे भारत सरकार किसी प्रोडक्ट मतलब कि खदान खाद को फसल जैसे धान गेहूँ प्रोक्योरमेंट करना है लेना है तो पैक्स के माध्यम से ले सकती है, और सरकार की कुछ जैसे ये टैक्स का फुल फॉर्म क्या जानते हैं? पैक्स का सर कॉल नहीं कर पा रहा सर, अभी याद याद कर रिकॉल नहीं कर पा रहा। करते हैं बताइए, भारत के किसान एमएसपी को लेकर इतना क्यों संवेदनशील रहता है, हमेशा डिमांड कर देता है एमएसपी एमएसपी, क्यों होता है एमएसपी? सर इसके लिए क्योंकि किसान को बहुत ज़्यादा जगह पर ये देखा गया कि किसान को एमएसपी का भी वैल्यू नहीं मिल पाता है, बिचौलिए लोग इसके बीच में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम एफसीआई के पास जैसे प्रोक्योरमेंट के लिए सरकारी के पास जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण से उनको लौटा दे कि आपका इतना मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट या बोल दिया जाता है कि आपके फसल वो जिस मार्क पे सरकार खरीदना चाहती है वो मार्क के नहीं है, तो किसान को लगता है कि हमारा अब ये बिकेगा नहीं, तो मार्केट में जो रेट मिलता है वो रेट पे वो बेच देते हैं, तो इस तरह से एमएसपी के लिए वो लोग लगे हुए कि अगर गारंटी हमको मिल जाती है कानूनन तो हमको तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको लगता है कि एमएसपी को लीगल स्टेटस मिलना चाहिए? ये बताइए, एफपीओ का नाम सुना है, फार्मर प्रोड्यूसर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसिंग क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है ये? सर, ये एक भारत सरकार के द्वारा चला ये शुरुआत की गई इस मिशन को, इसका फाइनेंशियली सपोर्ट नाबार्ड के द्वारा होता है, और इसके जरिए भारत सरकार 10,000 एफपीओ 2025 तक 2025 तक 10,000 एफपीओ खोलने का लक्ष्य रखा है 10,000, और इसमें किसानों को एफपीओ के जरिए किसानों को जोड़ेंगे, जैसे सारे किसान सबको उनको सारे मुहैया कराएंगे, जैसे सीड हो उसके सीड देना है, उसको फर्टिलाइजर देना है, उसके उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट हो उनके प्रोडक्ट में भी उनको उसके मार्केटिंग में फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना हो, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का भी और यहाँ से रोजगार भी पैदा होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, दोनों चीज। अपने में नवार्ड का बात करते हैं, क्या है नवार्ड? नाबार्ड सर, नेशनल नाबार्ड एक
एग्रीकल्चर के फाइनेंसिंग के क्षेत्र में एक अपेक्स बॉडी है जिसका गठन 2 अक्टूबर 1982 को हुआ। एग्रीकल्चर कोई फाइनेंस करता है या और कुछ करता है? मुख्य रूप से सर एग्रीकल्चर कोई फाइनेंस करता है, कोई दूसरा काम नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा आपने अपनी हॉबी में दिया है गार्डनिंग, गार्डनिंग। यस सर। आप लोगों ने तो एग्रीकल्चर साइंस पढ़ा ही होगा गार्डनिंग के बारे में। यस सर। तो क्या आप गार्डनिंग करते हैं या पढ़े हुए इसलिए डाल दिया हॉबी में? नहीं सर, करते भी हैं पढ़े हुए भी। अच्छा, जो बागवानी होती है गार्डनिंग होती है लार्ज स्केल उसमें, और आप जो गार्डनिंग करते हैं उसमें, दोनों में क्या डिफरेंस? सर बड़े स्केल पे करते हैं तो जैसे ट्रक गार्डनिंग हुआ जिसमें हम बड़े स्केल औकार लगा के करते हैं जिसमें ज्यादा क्षेत्रफल लिया जाता है और मार्केट में उसको प्रोड्यूस को सेल किया जाता है। आप गार्डन में जो पौधा लगाए हैं उसमें से कुछ स्पेसिफिक नाम बता सकते हैं जो जनरल पौधों से अलग हो? यस सर। कौन कौन? ड्रैगन फ्रूट है और जनरल, एक स्पेशल में सर सबसे ज्यादा स्पेशल ड्रैगन फ्रूट। यस सर। ड्रैगन फ्रूट्स का क्या इस्तेमाल है, क्या उसमें? सर इस सर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हार्ट पेशेंट हो या इसमें सर। अच्छा, कितना बड़ा एरिया में आप लगाए हैं और कितना? अभी सर ज्यादा एरिया में नहीं है, अभी सर सिर्फ 4 प्लांट है उनके। इसमें कितना पौधा हो जाता है, कितना फल हो जाता है? सर पौधा एवरेजली सर लास्ट 2 ईयर से 12 से 15 केजी के आसपास इसमें फ्रूटिंग हो रही है। फर्टिलाइजर भी डालते हैं? सर बहुत कम मात्रा में अभी डालते हैं सर, ऑर्गेनिकली पूर्ण रूप से सर हम करते हैं क्योंकि हमारे पास पशु हैं तो उसके गोबर से। ठीक है, क्या आप जा सकते? थैंक यू सर। ठीक है, थोड़ा आंसर को और कॉम्पैक्ट बोलने की कोशिश करो, जैसे कि इकोसिस्टम एग्रीकल्चर से कैसे जुड़ा हुआ है, तो कॉम्पैक्ट बोलना है। इकोसिस्टम के जो है ना फैक्टर्स हैं उसको एग्रीकल्चर से जोड़ कर ज्यादा लंबा बात नहीं करना। तो सर सिर्फ उसके फैक्टर बोल दें। हाँ, चाय वाला में जैसे कि था तो भी ठीक था आंसर, क्योंकि उसमें जड़ में पानी नहीं रहना तो नहीं चाहिए, तो सड़ जाएगा, इसलिए स्लोप है ना, स्लोप पे होता है चाय। ठीक है ना। और एग्रीकल्चर में हमने बताया था कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या पॉलिसी बनाएंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सब पॉलिसी वाले में अच्छे से निर्धारित करना है कि किन किन फसलों के प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, क्या क्या उसके लिए काम करेंगे, और एक्सपोर्ट पॉलिसी में किन किन राज्यों में या किन किन देशों में किसका डिमांड है वहाँ वार्ता करने की कोशिश करेंगे नेशनल लेवल पे, है ना, मतलब नेशनल लेवल के माध्यम से। ठीक है ना, वो करना है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री या देश में जो कृषि मंत्री है, वहाँ जो वाणिज्य मंत्री है, उन दोनों से बैठक करके, अरे हमको कुछ एक्सपोर्ट करना है पाकिस्तान में, कुछ श्रीलंका में करना है, तो उसके लिए वहाँ से वार्ता करनी होगी ना। यस सर। विदेश नीति के तहत, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, डार्विन वाला जैसे सर ने पूछा था तो नहीं बता पाए, तो बेसिक चीज है सब जानकारी रखना है, सभी सर अभी रिलेट नहीं कर पा रहा था सर, डार्विन का पूरा सिद्धांत अच्छे से पता है, इधर भी पता है, रिलेट नहीं कर पा रहा। चकबंदी तुम सही बोल रहे थे, लेकिन उसको शॉर्ट में बोल, कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग, छोटे छोटे खेत को मिलाकर बड़ा खेत बनाना है ना, बड़ा होल्डिंग बनाना, ताकि कृषि गतिविधियां बेहतर तरीके से संपादित की जा सके। ठीक है ना, तो उसे टूटी फूटी भाषा में नहीं बोलते थे अच्छे से। ठीक है, हाँ, हदबंदी जो होता है वो सीलिंग होता है, सीलिंग का मतलब होता है कि अपर लिमिट ऑफ होल्डिंग कितना ज्यादा होगा किसी का, हद के नीचे रहना, सीलिंग सीलिंग से। क्या बोल रहे थे? सो सबसे क्रिटिकल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो माहौल को झेल जाए वो सर्वाइव करेगा। yes, आपने देखा होगा बहुत से हमारे फसल जो है, बहुत से जीव जंतु हैं। yes, फिर हमने क्या लिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग किया और फिर उसको माहौल के अनुसार मैंने ढाला। ठीक है, और बात करते समय जैसे होता है कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि लिप्स चल रहा है और आवाज नहीं निकल रही, उसको बोल, ये एक अलग टाइप का, ठीक है ना, बिहेवियर शो करता है कि तुम चाह रहे हो बताना, हमको तो आता है, बोलते जा रहे हो, बाकी लोग सुन नहीं, वो सही है सर, नहीं आता है, आई एम सॉरी बोल देना, एक दूसरे को लिप्स चला रहे हैं तो
अगर समझेगा भाई इसको तो आ नहीं रहा है ऐसा, ठीक है, जा सकते हैं। थैंक्स।